जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आपका स्वागत है क्लास में। और न्यूज़पेपर में द हिंदू को हम लोग फटाफट कवर कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट न्यूज़ सेज दैट हैवी रेन एज साइक्लोन निवार अप्रोचेस कोस्ट। नाउ पहली चीज, साइक्लोन निवार कौन से कोस्ट पे हिट कर रहा है इंडिया के, आपको ये बात पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जब चेन्नई पे हिट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इट इज़ हिटिंग दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ईस्टर्न कोस्ट पे हिट कर रहा है। दूसरी चीज़, इट इज़ अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। अब होता क्या है, आईएमडी डिपेंडिंग ऑन कि साइक्लोन में विंड स्पीड कितनी है, डैमेज करने की इन्फ्लिक्ट उसकी टेंडेंसी कितनी है, वो सब चीज़ों के हिसाब से कैटेगरी के अंदर इनको डालता है कि भाई क्या कैटेगरी है साइक्लोन की पर्टिकुलरली। सो इन दिस केस यू शुड रिमेंबर दैट इट्स अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इट्स अ थर्ड वन दैट विल मेक लैंडफॉल दिस ईयर। पहले भी हमने दो देखे थे। ठीक है, नाउ लैंडफॉल इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉर्म मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड। नाउ एक्चुअल प्रोसेस में टेक 3 और 4 आवर्स। ऐसा क्यों है कि इसको जमीन पर हिट करने में ही 3 से 4 घंटे क्यों लग सकते हैं? देखो, स्टॉर्म को ऐसा मत समझना कि एक छोटी सी चीज है आके टकरा जाएगी आपके शोर से एंड यू विल से दैट इट हैज मेड द लैंडफॉल। देखो, स्टॉर्म के आने से कभी वो देखा होगा तुमने मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं, और एक फोटो भी अगर तुमने स्टॉर्म का देखा होगा, सामने बहुत बड़ा सर्कल टाइप का बन रहा होता है वो गोल गोल, और बीच में उसके एक छोटा सा छेद जैसा होता है। सो जो वो पूरा का पूरा पार्ट है, व्हेन इट कम्स ऑन टू द ग्राउंड, जब उसकी आई जो सेंटर वाला होल है, व्हेन इट कम्स ऑन टू द ग्राउंड, उस टाइम को एक्चुअल लैंडफॉल माना जाता है। नाउ सिंस दैट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली 20-30 किलोमीटर इन लेंथ, इतना चौड़ा साइज हो सकता है उसका, रेडियस इतना ज्यादा हो सकता है, सो विच इज वाई वी टेन टू से दैट इट विल टेक 3 to 4 आवर्स। ऑफन इट इज वाइडर देन दैट जब ज्यादा स्पीड होती है। ऑल राइट, एक और चीज है यहाँ पे, गेल विंड्स। गेल विंड्स क्या होती है? दीज आर वेरी इंटेंस विंड्स विद अ हाई स्पीड ऑफ 65 to 75 km/h। एक टर्म याद रखना, गेल जो होती है इट्स नथिंग एल्स बट इट इज विंड्स जो कि काफी तेज होती है। ठीक है, देन देयर इज अनदर न्यूज दैट एमएचए इश्यूज फ्रेश कोविड गाइडलाइंस। अब कोविड गाइडलाइंस के अंदर सर्विलांस, कंटेनमेंट एंड कॉशन हमेशा से यही चल रहा है और यही नहीं हो पा रहा है देश में। नाउ दीज हैव बीन रिसेंटली क्रिएटेड एंड इट हैज बीन सेड कि किसी इंसान की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी जाएगी तो 80% कॉन्टैक्ट उसके आपको विद इन 72 आवर्स ट्रेस करने हैं। आई डाउट कि कुछ हो भी पाएगा इसमें, क्योंकि नाउ दैट पीपल आर नॉट केयरफुल, मतलब अगर आप बाहर जाके देखोगे तो लोग सीरियसली, उनको फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, दे डोंट केयर एट ऑल। मार्केट में जाओ तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, पार्टीज में जाओ तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, नोबडी इज रेडी टू वेयर अ मास्क। एंड वेन पीपल देमसेल्व्स आर नॉट, मतलब अमिताभ बच्चन जी हर कॉल पे आपकी जान खा रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो, तो फिर आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। बिकॉज आप कुछ लोगों को तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, सो मैं अपने दोस्त का नाम तो बता दूंगा कि अगर मेरा कोविड पॉजिटिव निकलता है कि सर आई मेट दैट पर्सन, बट वॉट अबाउट 50 अदर पीपल आई मेट ऑन द वे, नन ऑफ देम वॉज वियरिंग अ मास्क, नन ऑफ देम वॉज एबल टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 2 फीट फ्रॉम मी। तो अपने आप डिस्टेंस मेंटेन रखो, अपने आप मास्क पहन रहो, that is the best thing which you can do at this point of time. Next news पे आते हैं। वैसे कल अहमद पटेल जी का देहांत हो गया, बढ़िया नेता थे, वेटरन लीडर है कांग्रेस के। ओके, देन देयर इज दिस वन न्यूज दैट एडल्ट वुमन कैन रिसाइड वेयरएवर एंड हूएवर शी विशेस विद। एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, इंडिया में हाफ द वुमेन आफ्टर द इलोप टेंड टू बी माइनर एज क्लेम्ड बाय देयर पेरेंट्स। इनफैक्ट आई नो ऑफ वन केस जहां पे लड़की की एज 26-27 साल थी, बट एज सून एज शी रैन अवे विद अ पर्सन, उसके घर वालों ने FIR कराई बोल के कि नाबालिग है। तो ये लॉ भी बहुत मिसयूज होता है, नाबालिग एज इन शी इज अंडर 18, शी इज नॉट एन एडल्ट, शी इज अ माइनर। सो व्हेन यू आर अ माइनर ऑब्वियसली इट इज कंसिडर्ड दैट यू हैव बीन यू नो मिस इन्फॉर्म्ड, तुम्हें बहलाया गया, फुसलाया गया, उसके बाद भगा लिया गया। सो दैट इज नॉट द केस एक्चुअली, वो कुछ और ही होता है, बट ठीक है, पेरेंट्स की इच्छा है तो ऐसे करा लेते केस। सो रिसेंटली ऑल्सो वन केस वॉज फाइल्ड, पहले तो कोर्ट ने डिटरमाइन किया कि इवन इन 2000 शी वॉज बॉर्न इन 2000 एंड इवन ऑन द डेट दैट शी वेंट मिसिंग शी वॉज अ मेजर नॉट अ माइनर, एंड इफ शी इज अ मेजर शी इज फ्री टू रिसाइड वेर एवर शी विशेज एंड विद हूएवर शी विशेज, शी कैन गो अहेड एंड लिव। एक और छोटी सी बात, कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ के कह दी कि पुलिस अथॉरिटीज को उस लड़की की बहन को, घर वालों को और इन सबको समझाना चाहिए, उन्हें काउंसिल करना चाहिए कि कानून को अपने हाथ में मत लो। ठीक है, और इनडायरेक्टली मेरे ख्याल से कोर्ट ने पुलिस वालों को बोला है कि इन्हें बोल दो जाके अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो तुम्हारी हड्डियाँ टूटेंगी। सो दैट इज़ वन सिंपल थिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर ग्रोन अप्स, वी आर एडल्ट्स यार, जिंदगी में सारे फैसले जब खुद ले सकते हैं तो अपना लाइफ पार्टनर भी खुद चुन सकते हैं। अच्छा है, सही गलत सही वो फैसला जब होगा तो अपने आप देखा जाएगा, आगे इन फ्यूचर हम लोग खुद ही भुगत लेंगे, सह लेंगे थोड़ा, है ना।
तो सेलिंग के थोड़ा के चक्कर में ऐसा थोड़ा ना कि हमें अधिकारी नहीं होना चाहिए कुछ भी। खैर, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। डोर टू डोर सर्वे दिल्ली में हो रहा है, गाजीपुर लैंडफिल वगैरह की न्यूज़ है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो दे माइट सीम इम्पॉर्टेंट टू यू, दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगले पेज पे चलते हैं। ये तो इनह्यूमेन नेचर है दुनिया का। न्यू बॉर्न बेबी फाउंड इन साइड गनी बैग। पैदा मत करते, और अगर पैदा कर दिया तो किसी को दे देते जिसको ज़रूरत है बच्चों की। आई मीन देर आर पीपल अप फॉर अडॉप्शन राइट, स्पेशली वेन इट्स अ न्यू बॉर्न, पर फेंक देंगे। सामाजिक इज्जत ज़्यादा जरूरी है, किसी की जान जरूरी नहीं है। एनी विच वेज, लेट्स कम टू दिस नेक्स्ट न्यूज। इट इज़ अबाउट दी, यहाँ पे अभी जीन पैथ डायग्नोस्टिक्स है, इसने HPV वायरस के एलिमिनेशन के लिए या फिर एक कहा जाए ट्रेसिंग के लिए पॉइंट ऑफ केयर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक ग्रांट विन किया है। ये ग्रांट इसे किसने दिया? USISTEF, विच इज यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडाउमेंट फंड। नाउ दिस फंड इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड इट इज देयर टू फॉस्टर एनी काइंड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक गुड। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए अगर कोई भी प्लेटफॉर्म इस टाइप बनाने की कोशिश करता है या कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहा है तो इन दैट केस USISTEF इज द वन दैट इज गोइंग टू ग्रांट प्रोवाइड देम विद ग्रांट्स एंड फंडिंग सपोर्ट देता है। एक और अच्छी चीज आपको समझनी चाहिए कि USA की मेडिकल मार्केट इज अ वेरी ह्यूज मार्केट। सो जब भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है ऑब्वियसली US को उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, एंड US को जहाँ फायदा दिखता है US वहां तो जरूर इन्वेस्ट करता है। सो एक सिंपल सी बात है, वी आर लेवरेजिंग ऑन दैट पॉइंट। और इंडिया के पास डिस्पाइट द फैक्ट रिसर्च करने के लिए मैन पावर है, वी डोंट हैव द काइंड ऑफ फंडिंग विच इज रिक्वायर्ड, विच इज वाई दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप इज गोइंग टू हैव अ वेरी गुड एडवांटेज। नाउ पुणे बेस्ड एक लैब है जीन पैथ डायग्नोस्टिक्स, 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है इसे, सो दैट इट कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द HPV वायरस। अगर HPV वायरस का टाइमली डिटेक्शन हो जाए तो इन दैट केस महिलाओं और औरतों में, ठीक है, मतलब बच्चियों और औरतों में जो सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है उसके प्रिवेलेंस को हम बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल जेंडर्स, बट सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा महिलाओं में ही होता है। ठीक है, सो सर्वाइकल कैंसर को ट्रेस करने के लिए इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल बिकॉज ऑफ इट्स केपेबिलिटी ऑफ बींग एबल टू ट्रेस दिस HPV वायरस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक अगर ये सही तरीके से बन जाता है प्लेटफॉर्म, वी विल ऑल्सो ट्राई टू इंटीग्रेट इट विद आर ओन जो आपका ये बच्चों के विकास बाल विकास वगैरह के पोर्टल हैं इनमें। कारण क्या है, बाल विकास कभी तब तक पूरा नहीं होता जब तक माँ को आप सही तरीके से ट्रेस कर पा रहे हो, उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड्स को मीट कर पा रहे हो। एंड ऑफन इट हैज बीन सीन दैट आफ्टर द प्रेगनेंसी वुमन्स बॉडी इज वेरी वीक, बहुत ही कमजोर हो जाती है कंपैरेटिवली। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर एबल टू ट्रेस एनी काइंड ऑफ डिजीजेस शी माइट डेवलप, तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल। नेक्स्ट, मैं ये एक बढ़िया एडिटोरियल देख रहा था, जॉब एक्सपोर्ट्स इन द ट्रेड पैक लिंक। इतना कुछ खास लगा नहीं, थोड़ा बहुत ठीक लगा, फिर अचानक से बिकॉज आई थॉट चिदम्बरम जी के साथ में दूसरा बंदा जो है प्रवीण चक्रवर्ती माइट बी समबडी एल्स, बट इंडीड बोथ आर नेशनल कांग्रेस लीडर्स। सो वही चीज़ आ जाती है कि फिर वो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट भी है काफ़ी हद तक इसमें। सो आई विल नॉट कवर दैट वन बिकॉज इट्स अ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, बट द सेकेंड वन इज गुड विच इज टॉकिंग अबाउट रिफाइनिंग ट्रेड यूनियन स्ट्रैटेजीज टू स्ट्राइक अकॉर्ड। देखो मोटे तौर पर यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ, पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। इंडिया के अंदर हम लोगों ने अभी देखा कि ट्रेड यूनियंस वर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दीज लेबर कोड्स जो आ रहे थे, उनको बहुत खराब लग रहा था। कारण क्या है, ट्रेड यूनियंस को आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर चेंज कर दिया है, कैसे स्ट्राइक करेंगे उसका प्रोसीजर चेंज कर दिया है। दे आर ऑल्सो सेइंग दैट नाउ लॉबिंग एटसेट्रा इज ऑल्सो नॉट परमिसेबल इन द सेम मैनर एज इट यूज टू बी प्रीवियसली। दे आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट ओनली डायरेक्टेड विच इज अनरेगुलेटेड लार्जली इन विच यू डू नॉट हैव अ सिक्योरिटी ऑफ जॉब। Then they are also talking about extension of social security benefits, but at the same time they are saying that for certain industries, state might issue a notification wherein no security or maybe let's say minimum working hours or maximum working hours will be provided. तो एक तरीके से देखा जाए तो labour codes ने बहुत ज़्यादा flexibility दी है industries को. Point is, government wants to ensure that Make in India campaign becomes a success and India becomes a manufacturing hub. For that, you'll have to ensure that manufacturing is eased out. But at the same time, are trade unions going to be happy? Because is this going to ensure that labor jo hai uske rights ko aap protect kar pa rahe ho? The point is, it's a very debatable topic. Yahan pe trade union ke paas 6 aise options inhone bataye hain jahan pe in sare issues ko aap tackle kar sakte ho. For example, social dialogue, yani ki aap
एक जनता के साथ में चर्चा ऑर्गेनाइज करें, सारे वर्कर्स बैठे और आप उनसे कुछ कुछ पूछते रहे, वो अपने बात में अपना ओपिनियन देते रहे, एंड दैट वे यू आर एबल टू कम आउट विद सम कंक्लूजन एंड लेटर ऑन यू प्रेजेंट दोज पॉइंट्स टू द फैक्ट्री ओनर्स। सेकेंड इज पॉलिटिकल लॉबिंग, आप किसी नेताजी पे दबाव बनाते हो जाके कि नेताजी आपका तो वोट बैंक है इधर से, सो इफ़ यू डू नॉट इंश्योर दैट दिस थिंग इज डन इन आर फेवर वी विल मेक श्योर कि आपके वोट कट जाए इतने, दैट इज पॉलिटिकल लॉबिंग, दबाव बनाना। देन पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन थ्रू अपोजिशन पार्टीज, यू गिव अ मुद्दा टू द अपोजिशन पार्टीज, यू गिव देम एन इशू एंड से दैट गो अहेड इन पार्लियामेंट कंटेस्ट द रूलिंग पार्टी, इस टाइप से आप शुरू करा दो। देन देर इज लीगल एक्शन बाई अप्रोचिंग द जुडिशरी विच ऑब्वियसली नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। देन सीक द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन, ILO का इंटरवेंशन आप देख लो, उनका भी एक मैकेनिज्म है, एंड देन देर आफ्टर डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन यानी कि हड़ताल और स्ट्राइक। नाउ पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियन ये सब एक साथ बैठ के एक सोशल डायलॉग कंडक्ट करते थे, ठीक है। और ये सोशल डायलॉग क्यों कंडक्ट होता था, बिकॉज देर वर मेनी आई वुड से गुड आउटकम्स दैट वर कमिंग फ्रॉम इट। इस टाइम पे ऐसा होता था कि बहुत सारे डिस्कशंस, डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स रेज करे जाते थे कि ये जो कानून आ रहा है इज इट इन फेवर ऑफ आर्स और नॉट। बट इस बार इतना बड़े चार मेजर जो कोर्ट्स हैं उनको ले आया गया विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ दिस ट्राइपार्टाइट डिस्कशन, ये सोशल डायलॉग तो होल्ड ही नहीं हुआ। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि दिस इज मोर ऑफ अ स्कैम, ठीक है, यहाँ पे इनफेक्टिव होता है क्योंकि कोई ना कोई लेफ्टिस्ट पार्टी या कोई ना कोई और पार्टी अपना एजेंडा लेके वहाँ पे बैठ जाती है और उसके बाद में पूरे के पूरे डायलॉग की ऐसी तैसी कर देती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायलॉग ही होल्ड करना बंद कर दिया। दिस इज जस्ट लाइक थ्रोइंग द बेबी अवे विद द बाथ वाटर, वो होता है ना कि बच्चे को नहलाया उसके बाद बच्चे को ही नहाने वाले पानी के साथ फेंका जाके बाहर, दैट शुड नॉट बी द केस। इंस्टेड यू हैव टू इंश्योर दैट इन सोशल डायलॉग्स में जो कमियां हैं उन्हें आप दूर करें। अगला पॉइंट है पार्लियामेंट ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी हेल्दी डिस्कशंस। पहली चीज, यूनियन पार्लियामेंट पिछले कई सालों से एक आदत बना ली है कि डिबेट नहीं करेंगे, और जब वो डिबेट करते तो ऑपोजिशन बायकॉट कर देता है डिबेट्स को। सो इस वजह से लेबर कोड्स के ऊपर कोई डिबेट ही नहीं हुआ मेजरली, ठीक है, तो दैट इन इटसेल्फ वाज अ मेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट इज सीकिंग असिस्टेंस। नाउ दीज पीपल आर गोइंग, ऐसा सोच रखा है इन्होंने कि क्या जुडिशरी के पास जा सकते हैं ये। देखो सरकार जब भी कुछ भी करती है तो जुडिशरी इज द ओनली गार्जियन दैट प्रिवेल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर, गुजरात ने एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी, एक ऑर्डिनेंस तो नहीं था बेसिकली अमेंडमेंट था फैक्ट्रीज एक्ट का, जिसके हिसाब से गुजरात ने बड़े प्यार से बोला, एंड सुनना कितनी अच्छी बात बोली। गुजरात ने कहा कि सिंस कोविड 19 इज अ पब्लिक इमरजेंसी, हेंस वी आर लिफ्टिंग एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी, पीएफ एंडाउमेंट एंड एनी अदर फैसिलिटीज दैट आर एक्सटेंडेड टू द माइग्रेंट्स। मतलब वो कोविड से तो मर ही रहे थे, अपनी फैक्ट्री में काम करके और मरे। दिस इज वॉट द अमेंडमेंट सेड। सो इन दैट केस कोर्ट ने बड़े प्यार से बोल दिया कि नहीं, ये गलत कर रहे हो तुम, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड, कोविड 19 को आप इस तरह से पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। दैट बिकेम अ मेजर कंसर्न, बाद में इसको और भी जगह चैलेंज किया गया था, बट सी कोर्ट ने डिफेंड किए राइट्स। तो सो ये बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड यूनियंस जो है उनके बहुत ही मतलब एकदम पेट्रियोटिक माइंडसेट है। पेट्रियोटिक माइंडसेट एज इन दे वॉन्ट टू वर्क अ लॉट फॉर दीज वर्कर्स बट ऑल्सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। उनको लगता है अगर हम ILO के पास जाएंगे तो ऐसा होगा कि हम अपने गंदे कपड़े पब्लिकली धो रहे हों, वो तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। अगर मान लो किसी के आपस में लड़ाई होती है तो वो आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करता है, दुनिया जहान के पास जाके गाने गाता है। सो ILO वाले ऑप्शन को ये जनरली खारिज करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल एक्शंस। इंडस्ट्रियल एक्शंस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ ड्यू टू कोविड यू रियली कैन नॉट गो अहेड एंड कंडक्ट अ स्ट्राइक, आप अभी हड़ताल नहीं कंडक्ट कर सकते हो, और इन कोर्ट्स की वजह से हड़ताल को कंडक्ट करना थोड़ा मुश्किल भी हो गया। बट बहरहाल जो भी होता है, इन फ्यूचर वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे लेबर लॉस को डाइल्यूट कर रहे हैं तो वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि यार सोशल सिक्योरिटी इंप्रूव करने के नाम पे हमें कहीं ना कहीं ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वर्कर्स के साथ में कुछ भी गलत ना हो। क्योंकि अगर वर्कर्स के साथ गलत होगा तो डेफिनेटली फिर किस बात की डेमोक्रेसी, किस बात की इक्वालिटी, राइट? ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट रिजर्विंग ऑर्डर ऑन इन सर्विस कोटा। सी, तमिलनाडु और केरला में जो सुपर स्पेशलिटी एडमिशन्स होते हैं मेडिकल में, इस स्ट्रीम में जो लोग इन सर्विस हैं ऑलरेडी उनके लिए 50% कोटा जो था वारंट किया गया था कि ये सेवा में है तो उनको ठीक है कोटा एक्स्ट्रा दिया जाए, 50% कोटा दिया जाए। इन लोगों ने नाराज होकर बोल दिया, डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं सर, सुपर स्पेशलिटी लेवल पे इट शुड ओनली बी बेस्ड ऑन मेरिट, क्योंकि एक तो सीट्स बहुत कम है ना। सुपर स्पेशलिटी होता क्या है, तुमने सुना होगा आदमी पहले MBBS करता है,
एमबीबीएस के बाद में एमडी करता है, विच इज द स्पेशलिटी। देर आफ्टर सुपर स्पेशलिटी में उसमें भी किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज के बारे में रिसर्च कंडक्ट करने लगता है। दैट इज वॉट सुपर स्पेशलिटी इज ऑल अबाउट। द सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिशनर्स आर वेरी रेयर इन इंडिया, यू वुडंट फाइंड देम वेरी इजिली। आप बाहर जाते हो तो आपने देखा होगा कई एक डॉक्टर होते हैं जो अपने नाम के आगे लिखते हैं एमबीबीएस एमडी, दोज आर जस्ट स्पेशलिस्ट। उनके ऊपर कुछ लोग होते हैं जो सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर इन सब में जाते हैं, ठीक है। तो दोज डॉक्टर्स आर द वंस जहां पे ये प्रॉब्लम चल रहा है। लेट्स सी व्हाट डज द कोर्ट थिंक ऑफ इट, कोर्ट क्या सोचता है इस विषय में, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना आने वाले डेज में, बिकॉज वट एवर द कोर्ट डिसाइड्स इन दिस केस माइट ऑल्सो हैव स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन टू द अदर वंस। बाकी केसेस के ऊपर भी थोड़ा सा स्पिल ओवर इस केस में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जलीकट्टू इज इंडियाज एंट्री फॉर ऑस्कर अवार्ड्स। तो एक 14 मेंबर की कमेटी है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिसने जलीकट्टू को सेलेक्ट किया है भेजने के लिए। अब जलीकट्टू इज अ मूवी विच इज बेस्ड ऑन एक माओइस्ट नाम का स्टोरी है, ठीक है, एस हरीश की, उसके ऊपर बेस्ड है। एंड इट इज बीइंग सेंट फॉर द ऑस्कर्स, जिसको आप अकेडमी अवार्ड्स नाम से भी जानते हो। सो दिस ईयर इज द 93rd अकेडमी अवार्ड्स, उसके लिए इसको भेज दिया गया है। नाउ डायरेक्टर कौन है इसकी, यहाँ पे लीजो होसे, और उसके बाद में बाकी तो कोई डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। मलयालम में ये मूवी है। एंड देन इससे पहले किसने जीता था इंडिया में, सलाम बॉम्बे, मदर इंडिया और लगान, ये तीन मूवीज ऐसी हैं जो अकेडमी अवार्ड्स में विनर बन के आई हैं इंडिया के लिए। सो लेट्स होप दैट जलीकट्टू विंस दिस टाइम, सो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर इंडिया, स्पेशली व्हेन इट्स अ रीजनल लैंग्वेज दैट हैज वॉन इट। ऑल्दो मलयालम काफी बड़ी पॉपुलेशन स्पीक करती है, बट देन इट विल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कि हमारे यहाँ पे लोकल सिनेमा भी काफी थ्राइव कर रहा है। बॉलीवुड और द मेन स्ट्रीम सिनेमा इज नॉट द ओनली वन दैट इज थ्राइविंग इफ जलीकट्टू विंस। सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग वी हैव टू सिट एंड वॉच फॉर। नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्रेसिपिटेट स्टेप ऑन वुमेन ऑफिसर्स। एज यू नो परमानेंट कमीशन को लेकर जो कल खबर आई थी कि एक महिला ऑफिसर ने बोला है, लेफ्टिनेंट कर्नल आशु यादव ने, दैट द अनाउंसमेंट वॉज मोर ऑफ एन ऑप्टिक्स रादर देन सब्सटेंस। तो उस चीज को लेकर अभी कोर्ट देखो क्या स्टेप लेता है। कोर्ट ने बस इतना बोला है दैट प्लीज डू नॉट टेक एनी प्रेसिपिटेटिव एक्शन, प्रेसिपिटेटिव एक्शन ऐसे दिखावे वाली बातें मत करो अभी आप कोई, बस इतना बोला है कोर्ट ने। अगले पॉइंट पे आते हैं, नेवी इंडक्ट्स टू ड्रोन्स ऑन लीज फ्रॉम द यूएस। इफ यू रिमेंबर अर्लियर दिस ईयर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में थोड़ा चेंज किया गया था और हम लोगों ने बोला था हम वेपन सिस्टम्स को भी लीज कर लेंगे। सो उसी लीज के अंडर MQ-9B सी गार्जियन अनमैन ड्रोन्स को हमने भी प्रोक्योर किया लीज पे। दे विल बी ऑन लीज फॉर 1 ईयर एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इसी के हिसाब से सारी फोर्सेस अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें स्ट्रीमलाइन कर रही हैं कि कुछ जितना मैक्सिमम हो सके लीज कर लें, क्योंकि लीज सस्ती पड़ती है। एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिटर्न इट, ओनरशिप वापस जाती है, तो उस हिसाब से लीज सस्ती भी बनती है। खरीदने से ज़्यादा अच्छा ही है कि लीज पे ले लो फिर उस हिसाब से। देन यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है कि गार्जियन जो अपना ड्रोन है इसके पास क्या फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल इट हैज़ अ मैक्सिमम एंड्योरेंस ऑफ 40 आवर्स, फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड ऑफ 40,000 फीट, सर्विस सीलिंग है इसकी है, एंड देन 3600 मैरीटाइम सर्विलांस रेडार इसके अंदर है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसनडेक्स एक्सरसाइज होने वाली है बहुत जल्दी, जिसमें फ्रांस इज वेरी कीन टू ज्वाइन। देर इज अनदर मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज ओनली, इट इज गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत जल्दी आई बिलीव यू विल बी सीइंग इन पेपर्स की होने वाली हैं या होंगी, ठीक है। एज सून एज दे स्टार्ट हैपनिंग कीप एन आई ऑन इट, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। अगला पॉइंट है चाइना स्लैम्स इंडिया बैन ऑन एप्स, और बोला है कि इंडिया को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, ओके, थैंक यू, आपने अपना ओपिनियन दिया। अगले पॉइंट पे अहमद पटेल जी के बारे में काफ़ी कुछ निकला है यहाँ पे, एंड अगेन टू ऑफ माई फेवरेट पेजेस ऑफ द हिंदू। इंटरनेशनल रिलेशंस की भी न्यूज़ की बात करी जाए कुछ खास नहीं है। जो बाइडन गवर्नमेंट का ट्रांजिशन इज ऑलरेडी बिकन, ऑन 14th of December यू विल सी द वोट्स बीइंग कास्टेड फॉर, अभी तो इंडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे ना, इलेक्टर्स को सेलेक्ट किया गया, अब इलेक्टर्स जाएंगे 14 दिसंबर को वोट पड़ेंगे उनके, फिर फाइनल हो जाएगा कि जो बाइडन बन रहे हैं, उसके बाद आगे चीज़ें इंप्रूव होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अभी NSA माइकल फ्लिन को पार्डन कर देंगे। सोचो, डोनाल्ड ट्रंप विल पार्डन माइकल फ्लिन बिकॉज माइकल फ्लिन ने रशियन से बात करी थी इन हिज इलेक्शंस ताकि डोनाल्ड ट्रंप जीत सके। रियलाइज दिस, आप, मैं किसी को खुद नहीं मार रहा हूं, आई हायर समबडी एंड आई से तू जा मर्डर कर दे, उसने मर्डर कर दिया, अब आई एम ग्रांटिंग पार्डन टू दिस मर्डरर। दिस शुड नॉट बी द एक्सरसाइज ऑफ पावर एज इट इज हैपनिंग, बट ठीक है, अब चल रहा है तो कैपिटलिस्ट समाज उनका, उन्होंने बनाया अपने कानून, तो देखें किस तरीके से झेलना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
भूटान एस्टैब्लिशेस फॉर्मल टाइज विद जर्मनी। अब भूटान की क्या है, मैक्सिमम टाइज जो है अपने न्यू दिल्ली बेस्ड एम्बेसीज के थ्रू चलती हैं। हाउएवर इन्होंने बोला है कि अब जैसे 2005-06 के बाद में भूटान ने काफ़ी रिलेशंस अपने इंप्रूव करे फॉरेन कंट्रीज से। उस टाइम पे इनकी 22 रिलेशंस 22 कंट्रीज के साथ में एम्बेसीज होती थी। विद द नेक्स्ट 5 ईयर्स दे एस्टेब्लिश 35 और आई गेस 34 31 सम नंबर इतने और एम्बेसीज एस्टेब्लिश करे थे। उन्हें एस्टेब्लिश करने का रीज़न क्या था, इनको यूएनएससी में जो एक सीट होती ना नॉन परमानेंट वाली वो चाहिए थी, उस पर भी ये हार गए। तो फिर उन्होंने कुछ करना छोड़ दिया इतना ज़्यादा। सो 2013-14 में एक ओमान के साथ इनका लास्ट एम्बेसी बना था, ओमान के बाद अब जर्मनी के साथ इनकी एम्बेसी इस्टेब्लिश हो रही है। सो फॉर्मल टाइज आर बीइंग इस्टेब्लिश्ड विद जर्मनी नाउ। भूटान काफ़ी पीसफुल कंट्री, छोटा कंट्री है, बाकी सारी जो है दिल्ली के थ्रू इनकी पार्टनरशिप चलती हैं। एंड देन सेकेंड थिंग इज दैट दे हाईली रिवेर इंडिया एंड इंडिया हाईली रिवेर्स भूटान बिकॉज ऑफ इट्स ओन ऑब्वियस रीजन्स। ठीक है, और तो कोई इकोनॉमी में भी आई गेस कोई आज खास की न्यूज़ थी नहीं, सारी की सारी बिजनेस वाली न्यूज़ है, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी नोन। एक ही शॉर्टफॉल प्लान वाला है, बट डिटेल में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पहले इसके बारे में कि जीएसटी शॉर्टफॉल वाला सीन चल क्या रहा था। ठीक है, एंड व्हाट वर द टू ऑफर्स दैट द गवर्नमेंट मेड। चलो, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, जय हिंद।